बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर वैशाली नगर स्थित साईं मंदिर में महिलाओं द्वारा हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई। इस अवसर पर महिलाओं ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। वैशाली नगर की पार्षद स्मिता दोड़के द्वारा बसंत पंचमी के पूर्व वैशाली नगर स्थित साईं मंदिर में हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया। आयोजन में वैशाली नगर और शांति नगर से आई महिलाएं शामिल हुईं। पूजा अर्चना के उपरांत महिलाओं को हल्दी कुमकुम से जुड़ी सामग्रियां प्रदान की गईं। महिलाओं ने तिलक लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दीं। आयोजन में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से स्मिता दोड़के द्वारा सभी महिलाओं को पौधों का वितरण किया गया। सभी ने पौधों के पेड़ बनते तक उसकी देखरेख करने का संकल्प लिया। स्मिता दोड़के, डॉक्टर सविता कबड़वाल और भारती काकड़े ने इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आप सभी को नमस्कार। मेरा मैं डॉक्टर सविता कबड़वाल डेंटिस्ट हूँ। मैं जो आज यहाँ साईं मंदिर में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें आई हूँ। यहाँ वैशाली नगर की जो नव निर्वाचित जो पार्षद है मिसेस स्मिता दोड़के, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे आयोजन किया है। हल्दी कुमकुम कार्यक्रम होता है जो पौष महीने में होता है, इसमें महिलाओं का ये कार्यक्रम होता है, तो इसमें भारी संख्या में महिलाएं आई हैं। लेकिन सब कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो कोविड का प्रोटोकॉल इन्होंने पूरी तरह से फॉलो किया है। महिलाएं सब मास्क पहन के आई हैं और स्टेप बाय स्टेप कुछ महिलाएं आ रही है, कुछ महिलाएं जा रही हैं। बहुत भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है। और स्मिता जी का मुझे बहुत एक अच्छा प्रयास लगा कि उन्होंने आज हल्दी कुमकुम के उपलक्ष्य में एक पौधे का पौधा वितरण किया है, जो पर्यावरण जागरूकता के लिए हमें एक बहुत अच्छा संदेश देता है। और मैं आगे भी स्मिता जी से यही निवेदन करूँगी कि ऐसे कुछ ना कुछ सामाजिक या ऐसे कुछ कार्यक्रम करते रहिए और उसमें हमारा सहयोग जो भी मिलेगा हम लोग अवश्य सहयोग देंगे और कार्यक्रम में हमेशा आपका सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद जी। मैं स्मिता दोड़के वार्ड 20 वैशाली नगर से पार्षद, अभी नवनिर्वाचित पार्षद हूँ। जो हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम आज ये साईं मंदिर में कराया जा रहा है, असल में ये महाराष्ट्र की एक संस्कृति और सभ्यता की बहुत बड़ी पहचान है, जो आजकल हर देश में हर वर्ग के लोग विभिन्न क्षेत्रों में मनाते हैं। उसी की एक छोटी सी शुरुआत मैंने आज इस मंदिर से करी है और थोड़ी सी परिपाटी और सभ्यता को मैंने यहाँ पे चेंज करते हुए एक परिवर्तन लाया है। वो ये है कि ये श्रृंगार का सामान और सुहागिनों को दिया जाने वाली परंपरा हल्दी कुमकुम में अपनाई जाती है, जिसे मैंने पर्यावरण को पहल देते हुए एक संदेश महिलाओं में ये प्रस्तुत किया है। पौधे के रूप में जो श्रृंगार का सामान हल्दी कुमकुम में दिया जाता था, उसके बदले मैंने यहाँ पे एक पौधा, फूल रूपी पौधा जो एक हर्ष और उन्नति का प्रतीक होता है हर घर के लिए, वही यहाँ पर महिलाओं को वितरित किया है। और हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम हम यहाँ पर सफलतापूर्वक यहाँ इसीलिए मना रहे हैं कि महिलाओं के द्वारा ये पर्यावरण का जो प्रचार प्रसार है और ये संदेश है ये समाज में जाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हमारी धरती को, हमारे विश्व को हमें बचाना है। जो धरती भी मात्र स्वरूप ही होती है, वही महिलाओं की शक्ति के स्वरूप मैंने ये पौधा वितरित किया है। यही सभ्यता का थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया है अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। और लोगों को मैं एक संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए सब वर्ग के लोगों को, चाहे वो छोटे हैं या बड़े, उन्हें एक अपनी कहना चाहिए कि हौसला बढ़ाना चाहिए और समाज में ये संदेश प्रेरित करना चाहिए। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गईं। बहरहाल इस अवसर पर काफ़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।